बात करता हूँ, पहले रुक जाओ 2 मिनट। वेलकम टू एसएन चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बेडी गुरुकुल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। यू नो दैट देर आर 3 सर्किट एलिमेंट्स इन एसी सर्किट एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस देर वन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर विद देयर फेजर डायग्राम्स। आप सभी बच्चों का बेडी गुरुकुल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एसी सर्किट में रेजिस्टेंस होने पर क्या बिहेव होता है और इंडक्टर्स होने पर कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटर होने पर कैसा बिहेव करता है, ये हम बताने जा रहे हैं। आप सभी को जहाँ कोई डाउट हो आप पूछो, मैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। एसी सर्किट, बाकी पीछे आपने देखा मीन वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, इस समय डेरिवेशन होता है इंटीग्रेशन का, जिसके कारण हम आराम से निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ फेजर डायग्राम वाला जो क्वेश्चन होता है, एज आई थिंक 90% बच्चे फॉलो नहीं करते, इसलिए इसको मैं वन वन टॉपिक्स, एक टॉपिक्स भी यदि आपका क्लियर हो गया, 2 टॉपिक्स तो सब लो बहुत हो गया। इस टॉपिक्स को हम ऑफलाइन लेते हैं या ऑनलाइन पीसी पर ही संभव है, मोबाइल पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर जो डायग्राम दिखाना पड़ता है मोबाइल का छोटा स्क्रीन होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, पहला टॉपिक्स एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली और बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इन एन एसी सर्किट, इसका मीनिंग क्या है। अब रास्ते में हमने देखो, यहाँ पर डायग्राम देखो, ये एसी का सिंबल है। इस एसी में हमने एक रेजिस्टर लगा दिए। अब एसी में रेजिस्टर्स लगाने से क्या होगा, कुछ बता सकते हो अमन? रेजिस्टेंस होगी। देखो पीछे हमने आपको बताए थे सर्किट एलिमेंट्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स और कैपेसिटर। अब यहाँ पर मेनली देखना क्या चीज है वो समझो। आपको अल्टरनेटिंग करंट का क्या फॉर्मूला है, I=I0 sin ωt, और EMF का क्या फॉर्मूला है, E=E0 sin ωt। यहाँ पर मेनली जो बिहेवियर पूछा जा रहा है वो समझाया जा रहा है, यदि रेजिस्टेंस होगा इसके एंगल में कोई चेंज होगा या नहीं, और किसी में कोई चेंज नहीं होते हैं, जैसे साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, इन सब में कोई चेंज होगा या नहीं होगा। अब इसी को यहाँ हम समझाने का प्रयास करते, ध्यान से देखो ये टॉपिक्स, अपने आप उसके बाद रास्ता दिख जाएगा। देखो यहाँ पर जो हम दिए हैं, द स्केमेटिक डायग्राम ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस इज शोन इन फिगर। द अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज सप्लाइड टू रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय E=E0 sin ωt। देखो बेटा, हमने ये वोल्टेज रेजिस्टेंस के ऊपर लगा दिए। अब इस वोल्टेज के कारण रेजिस्टेंस में करंट जाएगा, तो हमें करंट में और किसी में ध्यान नहीं देना है। यहाँ कर्सर देखो बेटा, यहाँ पर क्या हमने लिखा है, E=E0 sin ωt। ये ओमेगा टी जो है एंगल है, ये एंगल है, जितने एंगल पर ये करंट वोल्टेज चल रहा है, रेजिस्टेंस से पास होने के बाद जो करंट निकलेगा या रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट पास करेगा उसका एंगल भी यही होगा या बदल जाएगा, ये एंगल ही फेज कहलाते हैं, कितने एंगल पर चल रहा है करंट। अब इसी फेज के आधार पर यहाँ पर देखो, मान लो हमने ये वोल्टेज दिया तो करंट पास करेगा। लेट आई इज द करंट इन द सर्किट एट एनी इंस्टेंट टी, किसी समय आई उसमें करंट है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होगा बेटा? V इक्वल टू आई आर जानते हो ओम्स लॉ से। हेलो जी, V इक्वल टू आई आर जानते हो गुड़िया, आपके समझ में आए बेटा? हेलो अब यहाँ देखो, अब हेलो गुड़िया बोलो बेटा, आपके समझ में आए ये? जी सर। हाँ अब देखो, अब यहाँ पर बच्चे कई कहते सर आपने अप्लाई तो ईएमएफ किया और यहाँ लिख रहे हो वी, तो आप जानते हो ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इन ओपन सर्किट एंड V is potential difference between two terminals in closed circuit. तो जब सर्किट क्लोज हो गया तब जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दिखेगा वो V होता है। अब ये डेवलप्ड होगा करंट रेजिस्टेंस में, अब इतना वोल्टेज इसको चाहिए, अब ईएमएफ हम कितना रखें? कम से कम इस वोल्टेज के बराबर रखेंगे तब ये आई करंट पास करेगा, तो हमने इसी को लिखे यहाँ पर, दिस पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल, यहाँ इक्वल सब हट गया है, छिप गया है, इक्वल टू ईएमएफ अप्लाइड। इसका मतलब बुक में यहीं पर गलती करते हैं, रेजिस्टेंस आर टू कंटिन्यू करंट इन द सर्किट एट दैट इंस्टेंट, मतलब वी का वैल्यू ई के बराबर कम से कम होगा तब ये इसमें से करंट पास करेगा। अब दोनों का वैल्यू लिखो बेटा, वी की जगह पर हमने आई आर लिखा, ई की जगह पर ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा। अब हम आई निकालते हैं तो आर को ले गए राइट साइड में, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, बट ई नॉट अपॉन आर को हम क्या कहते हैं? आई नॉट कहते हैं। अब ये आई नॉट लिख दिए हमने ई नॉट अपॉन आर की जगह पर, हमें क्या मिल गया रिजल्ट? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन में एंगल कितना है गुड़िया बताओ बेटा? हेलो बेटा म्यूट मत किया करो, सेकेंड में अमन आप ही बोलो बेटा। ओमेगा टी, और जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया था उसमें क्या था देख लो, यहाँ भी ओमेगा टी है, कहने मतलब रेजिस्टेंस से पास होने के बाद करंट का एंगल नहीं चेंज हुआ, ये एंगल कितने पर चलते ये बताता है। हेलो, तो रेजिस्टेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ कहने का मतलब रेजिस्टेंस से पास होने, गुड़िया आप अनम्यूट करो। जी सर। बेटा तो आप जवाब नहीं दे रहे हो, देखो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी है और E में भी ओमेगा टी था, यहाँ देखो कर्सर पर, कहने मतलब रेजिस्टेंस से एसी करंट पास होने पर उसके एंगल में कोई चेंज नहीं आया। दिस इज द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डेवलप्ड अक्रॉस R। अब इसी को हम क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we find that E and I are in phase, E और I same angle पर है। देखो बेटा अब तो MCQ question आ गया है, नहीं तो आपसे पूछा जाता था explain behavior of resistance in AC circuit, या इसी को पूछ लेते थे proof in resistance electric current current and AC current and EMF are in same phase, ऐसे क्वेश्चन आते थे। अब कहोगे सर इसमें MCQ क्या आएगा, देख लो क्वेश्चन दे देगा, इन ए सर्किट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन AC सर्किट, देन फेज ऑफ देम आर इन, नीचे लिख दिया सेम डिफरेंट लॉन्गर शॉर्टर, बस ऐसे दे दिया। तो आपको क्या लिखना है बेटा इसके एमसीक्यू में, आपको लिखना है सेम फेज, कहने मतलब ई और आई का एंगल नहीं बदलता है। अब यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गए ना आप लोगों को? यस सर। जी। हाँ
अब इसके बाद जो आता है मेनली आता है बच्चे कहाँ घबरा जाते हैं, फेजर डायग्राम बनाने में। पहले यहाँ तो कुछ सीखो, नया नया पॉइंट हम बना रहे हैं। कंपेयरिंग आई नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन आर, हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस है वही आर काम यहाँ कर रहा है। कहने का मतलब आपके एसी सर्किट हो चाहे डीसी सर्किट हो, रेजिस्टेंस का बिहेवियर सेम है। रेजिस्टेंस का काम है ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना, तो दोनों में करंट रुकेगा। अब यहाँ पर इससे क्या लिखा हमने, वी फाइंड दैट रेजिस्टेंस टू एसी इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, व्हिच इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू डीसी, जो वैल्यू रेजिस्टेंस का डीसी में था वही वैल्यू आपके एसी में भी है, कोई अंतर नहीं है। हेंस बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस आर छूटा हुआ है, बिहेवियर ऑफ आर इन एसी एंड डीसी सर्किट इज द सेम, बिहेवियर इन एसी एंड डीसी सर्किट इज द सेम आर, कैन रिड्यूस एसी एज वेल एज डीसी, ये एसी को भी घटाएगा और डीसी को भी घटाएगा। फिर क्वेश्चन आता था आप इसे फेजर डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कीजिए। अब वहां पर फेजर डायग्राम बेटा बना देंगे, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यू में, फेजर क्या होता है, स्कूल में पढ़ चुके हो अमन, मालूम है फेजर? नहीं है स्कूल में ये सब पढ़ाए हैं टीचर? हाँ पढ़ाया तो था। समझ में आया है ये, बताओ सच सच बोलना। स्कूल में मैंने क्लास फिजिक्स की सही से नहीं ली। देखो गुड़िया आपको ये सब समझ में आया था, स्कूल वाले बताए थे इस तरह से? नहीं सर, वो ऊपर ऊपर से कर दिया था उन्होंने, बस इतना अच्छे से नहीं बताते वो। अच्छा तो देखो बेटा यहाँ फेजर क्या होता है, फेजर इज ए वेक्टर व्हिच रोटेट्स अबाउट ओरिजिन विद एन एंगुलर स्पीड, यहाँ पर हमने जो ओमेगा टी लिखे थे, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में ये हम घुमाते हैं, ये एक वेक्टर है। अब कहोगे सर इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये है उनका फेज हम पता कर सकते हैं, फेज आगे चलते हैं या पीछे ये पता कर सकते हैं, किसी भी समय करंट और ईएमएफ की वैल्यू हम एक साथ निकाल सकते हैं। यहाँ याद रखना है फेजर इज ए वेक्टर व्हिच रोटेट्स अबाउट ओरिजिन विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी के बारे में, फेजर के बारे में, फेजर रियल में है क्या चीज, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जैसे आई नॉट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई नॉट आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज कॉल्ड फेजर। हमने क्या सीखा आपने अभी, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसको हम जिस वेक्टर से शो करते हैं ये हमारा फेजर कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, द एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट इज फैसिलिटेटेड बाय यूज ऑफ ए फेजर, फेजर की मदद से हम आराम से एसी सर्किट का एनालाइज कर सकते हैं। कैसे, अब देखो बेटा नीचे फेजर डायग्राम ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग आर, अब ये डायग्राम कैसे बनाए, मेन समस्या ये है, इसके स्केल में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, टीचर काट देंगे। देख लो बेटा डायग्राम, सबसे पहले राइट हैंड साइड का डायग्राम देखो, कर्सर देखो, ये ओरिजिन है, यहां से अलोंग एक्स हमने टाइम लिया और इस टाइम के साथ करंट बढ़ता है, करंट का ग्राफ हमने डॉटेड लाइन से बनाया। और अभी हमने क्या सीखा, दोनों का एंगल सेम है। अब कहोगे सर इसमें ओमेगा टी कहां पर है, देख लो बेटा ये है ओमेगा टी, उसी तरह से इन दोनों साइन ग्राफ के जो टेंजेंट खींचोगे ओरिजिन पर, ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन पर जो ये एंगल खींचेंगे ये एंगल बनेगा हमारा ओमेगा टी। आ रहा है समझ में बेटा, देख रहे हो कर्सर? जी हाँ, ये हमारा ये ओमेगा टी बनेगा, दोनों का एंगल सेम है, ये हम ऊपर मैथमेटिकली प्रूव कर चुके हैं।
तो डॉटेड लाइन आप जनरली करंट का वैल्यू कम होता है, डॉटेड लाइन हो गया करंट की वैल्यू आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और कंटिन्यूस जो ग्राफ है ये हो गया ईएमएफ का वैल्यू। अब इसमें से किसी भी पॉइंट पर हम करंट निकालते हैं, तो करंट से देखो लेफ्ट साइड की तरफ हमने परपेंडिकुलर डाट रहे हैं, कर्सर देखते चलो ये परपेंडिकुलर हमने आगे बढ़ा दिया, लेकिन आगे हमें पता नहीं है तो क्या करना, मैं आपको बताता हूँ ग्राफ खींचते समय। जैसे ये आपने एक्स वाई लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले डायग्राम में देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने खींचा, इसी के पैरेलल आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड से भी एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे है इस वाई एक्सिस खींचा पैरेलल में, और इसी के एक्स एक्सिस को पहले वाला जो है उसी के एक्स एक्सिस को देखो कर्सर आगे बढ़ाते जा रहे हैं इस तरफ से। अब इससे क्या होगा, दोनों का स्केल सेम मिलेगा। अब देखो हमने आई से यहाँ पर आई कर्सर देखो ग्राफ पर आई से परपेंडिकुलर डाला, तो डॉटेड लाइन से इसी को बढ़ाते गए तो पैरेलल लाइन पर भी कट किया इसने, तो पैरेलल लाइन पर सेकंड पैरेलल लाइन को जहां कट हुआ वो होता है आई का वैल्यू। अब आई का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से हमने अब देखो ई लिखे हैं, ई एक पॉइंट हमने ले लिया, ये ई नॉट है हमारा कर्सर, ई नॉट से हमने परपेंडिकुलर डाले फर्स्ट लाइन पर, और इसी परपेंडिकुलर को हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते गए जो सेकेंड लाइन को टच करता है, जिस जगह पर वो इंटरसेक्ट करता है वो हो गया ई का वैल्यू, तब हम इसको लिखते हैं ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आया बेटा समझ में ये? हाँ, अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर, अब देखो सेकंड डायग्राम में यहाँ से ओमेगा टी जहाँ दिख रहा है वहां से लाइन हमने टच किया ओमेगा टी पर, जो आई वाले परपेंडिकुलर को आई नॉट पर कट कर रहा है और ई वाले को ई नॉट पर कट कर रहा है, ये ई नॉट हो गया अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फेजर, और आई नॉट हो गया एरो लगा दिया हमने ये फेजर हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इस तरह से जब आप डायग्राम बनाते हो और ये वाई के अलोंग वाई क्या चीज जा रहा है देख लो कर्सर ई और आई, तो जैसे जैसे ई और आई बढ़ता जाएगा किसी भी पॉइंट से ये डायग्राम खींच सकते हो, और इस तरह से जो डायग्राम बनाते हैं इसी को कहते हैं फेजर डायग्राम। अब इस फेजर डायग्राम के बारे में क्या क्या लिखना है देख लो, पेपर में आते थे, इन दिस डायग्राम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई नॉट आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज कॉल्ड फेजर, फेजर उसी एरोज को कहते हैं, दोनों का एंगल सेम है, दे आर इंक्लाइंड देख लो दे आर बी पॉइंट में, दे आर इंक्लाइंड इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट एंगल ओमेगा टी एंड रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सी पॉइंट में देखो लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी दैट इज ई नॉट और आई नॉट, ये जो फेजर लेंगे, अब हमने बेटा 1 सेंटीमीटर के लेंथ को मान लो 10 वोल्ट मान लिया, 2 सेंटीमीटर को 20 वोल्ट मान लेंगे, इस तरह से हम उसको इंडिकेट करते हैं। केवल ऐसा नहीं जो एरो आपने खींच दिया, एंगल पर खींचोगे ये आपको मैक्सिमम वैल्यू को हमेशा शो कर देगा इसके लेंथ को। तो फेजर से हमें बेनिफिट मिलता है, यदि एक ग्राफ हमने साइन ग्राफ खींच दिया तो हम सभी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आया आप लोगों के यहाँ तक समझ में? हाँ, तो फिर अब इसके बारे में आपको कहेगा लिखने के लिए और भी पॉइंट है, देखो डी प्रोजेक्शन जिसको परपेंडिकुलर मैंने कहा है, द प्रोजेक्शन ऑफ द एरोज ऑन एनी एक्सिस रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, प्रोजेक्शन हम करेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे किसी भी एक्सिस पर तो
वो जैसे हमने ऊपर बताया था ई की वैल्यू बताता है चाहे आई की वैल्यू बताता है. इन द साइन फॉर्म ऑफ एसी द प्रोजेक्शन इज टेकन ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड इन द कोसाइन फॉर्म, जिसको हमने कहा था यहाँ नहीं बीटेक में पढ़ाया जाएगा कोसाइन फॉर्म, प्रोजेक्शन इज टेकन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. अब वहां पर तब ये साइन ग्राफ ऊपर की तरफ हो जाता. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन, फेज डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज दैट इज करंट एंड ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ई नोट एंड आई नोट के बीच के एंगल को हम फेज डिफरेंस कहते हैं. यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है भाई, ये भी एक एमसीक्यू है. यहाँ पर ई और आई के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है अभी तो. जीरो है क्योंकि दोनों का एंगल ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इक्वल टू जीरो. हाँ ये सब हमने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए. आज ये पेपर होता तो आपको पेपर में रहता बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम. तो डायग्राम बनाते और ये सारी बात नहीं लिख के केवल ये पॉइंट लिखते जी. इन एसी सर्किट कंटेनिंग आर ओनली करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, देयरफॉर इन फिगर बोथ फेजर्स ई नोट एंड आई नोट आर इन द सेम डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ओमेगा टी विथ ओ एक्स एक्सिस. दिस इज सो फॉर ऑल टाइम्स, ये हमें हमेशा होगा चाहे कोई भी वोल्टेज का एसी सर्किट बनाओ या कोई भी करंट भेजो. अब यहाँ पर देखो पैराग्राफ चेंज कर, द फेज एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इज फेज डिफरेंस, यहाँ छूट गया फेज डिफरेंस सॉरी फेज एंगल बिटवीन करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल क्या है, जीरो, कोई एंगल नहीं है. अब यहाँ पर देखो प्रोजेक्शन ऑन ओ वाई ओ वाई रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज दैट इज आई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ. अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, इसी पर आधार पर एक टॉपिक और हम करा देते हैं, जरा ध्यान दो. एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर्स इंडक्टेंस ओनली या बिहेवियर ऑफ, इसमें बहुत सारे शॉर्ट आंसर रहते हैं. जब सीबीएसई का पेपर होता था तो उस कंडीशन में भी एक नंबर के कई सारे क्वेश्चन बनते थे, उसी को आज के डेट में एमसीक्यू बना देगा, जरा ध्यान दो. गुड़िया आपको समझ में आ रहा है बेटा? जी सर. हाँ अब देखो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली. अब यहाँ पर पहला डायग्राम तो हम ये बनाएंगे, ये इंडक्टर का डायग्राम बनाए, ये एसी सर्किट का सिंबल है. अब यहाँ देखो द स्कीम, ये ऊपर वाला समझ गए तो ये समझने में टाइम नहीं लगेगा, जस्ट ए मिनट आप लोग वेट करो. हेलो. हाँ कता छे? हाँ पूछल छे, मैं पूछ लो सामने पहुंच लिए सही जगह. अई होटल से गेल लिया, होटल पर आ गेल लिया. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भोजन भात भेल है. अच्छा अच्छा चलो, अब हम क्लास में छे, मैं स्टॉप कर छी, बाद में बात करब. गेल लिए ऑनलाइन छे ना. हाँ हेलो. अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम ऑन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एल ओनली इज शोन इन फिगर. कंसीडर अल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाइड टू द इंडक्टेंस इज ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. अब यहाँ पर देखो ये पहला इक्वेशन है, इफ डी आई बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट
थ्रू एल, आप जानते हो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण ये ईएमएफ सप्लाइड को अपोज करेगा, इसलिए करंट इसमें धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताए थे पुराने मॉडल के ट्यूब में स्टार्टर लगे रहते हैं, जब आप स्विच ऑन करते हो तो अचानक नहीं जल जाता है, बल्ब को ऑन करते हो तो अचानक जल जाता है, लेकिन इसको जलाते हैं तो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लेता है जीरो से मैक्सिमम जाने में। इफ डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू एल एट एनी इंस्टेंट, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन द इंडक्टर एट द सेम टाइम इज ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। हम आपको सर्किट एलिमेंट के समय बताए थे इसमें कितना वोल्टेज डेवलप्ड होगा, हम स्मॉल ई भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं। याद आ गया बेटा? जी हाँ। अब E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी ये अपोज करेगा, लेकिन हमें करंट फ्लो करना है तो कम से कम अपोजिंग वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज दोनों कम से कम इक्वल होना चाहिए, तब ये करंट फ्लो करेगा। इसी को यहाँ पर हमने लिखा है, हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एंड अप्लाइड अपोजेज द चेंज ऑफ करंट। नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो है स्मॉल ई अपोजेज द चेंज ऑफ करंट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज, कहने मतलब E इक्वल टू माइनस E। अब देखो बेटा हम फटाफट खींच देते हैं, आप ध्यान दो E की जगह पर E नॉट साइन ओमेगा T और माइनस E की जगह पर देखो ब्रैकेट के भीतर मैंने लिखा है, जो साइन की मिस्टेक नहीं हो, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस हो गया एल डी आई बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो देखो क्या होता है। एल डी आई एक तरफ ले आए, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी एक तरफ ले आए, अब डी आई इक्वल टू एल हमारे नीचे चला गया ई नॉट अपॉन एल। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन ये कॉन्स्ट, देखो डी के साथ डी है ये वेरिएबल्स है, E नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन का साइन दिए साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। और आप जानते हो यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है, देख लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स क्या होता है, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। इस तरह से यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब इस ओमेगा को भी इसके साइड में ले आए, हेयर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो हेयर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम जीरो ले लेते हैं, तो रिजल्ट क्या आ गया, आई इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखो बेटा एक ये रिजल्ट आ रहा है कॉस में और हमने अप्लाई किए थे ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन और कॉस का तो हम कंपेरिजन कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इसको भी साइन में कन्वर्ट किए। और आप जानते हो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए यहाँ पर कॉस ओमेगा टी को मैंने लिख दिया साइन 90 डिग्री पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब देखो ओमेगा टी नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमा रहे हैं, इसलिए ओमेगा टी को इधर लाए पाई बाय 2 को इधर लाए, माइनस को हमने कॉमन ले लिया, देख लो इस तरह से यहाँ पर जो माइनस था कॉमन ले लो, यानी कि इस माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया माइनस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। रिजल्ट देखो इसका, रिजल्ट देखो बेटा ये हो गया आपके पास जब हमारे पास आ गए आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2।
अब इसका हम कुछ वैल्यू चाहते हैं, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है 90 डिग्री पर, यदि मैक्सिमम वैल्यू हो तो ये तो 1 हो गया, तो हमें I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट मैक्सिमम करंट मिलेगा, तब मुझे पुटिंग दिस I नॉट इक्वल टू E नॉट बाय ओमेगा L इनटू दिस। अब यहाँ पर मैक्सिमम करंट का डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन ओमेगा L। अब देखो बेटा इसी के आधार पर, अब E नॉट अपॉन ओमेगा L इक्वल टू I नॉट, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने ऊपर वाले में, तो हमें क्या मिल गया, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T माइनस पाई बाय टू। इक्वेशन नंबर 5, दिस इज द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डेवलप्ड इन इंडक्टर्स। अब इंडक्टर्स में जो आपने ईएमएफ डाला E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T, तो उसमें करंट कौन सा बन रहा है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T माइनस पाई बाय टू। दोनों में क्या अंतर है बताओ बेटा, माइनस पाई बाय टू का, हाँ एंगल का अंतर है, वहां एंगल था ओमेगा T, इसका एंगल माइनस पाई बाय टू, मीन्स ये 90 डिग्री पीछे हो गया करंट का एंगल। इसी को कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 5, वी फाइंड दैट इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग एल और अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय अ फेज एंगल पाई बाय टू लिखो या 90 डिग्री लिखो और बाय 1/4 ऑफ टाइम, कहने मतलब जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम इंडक्टर में अप्लाई करते हैं तो करंट 90 डिग्री पीछे चलता है, वोल्टेज अक्रॉस एल लीड्स बाय, यानी तो इसी को लिखते हैं वोल्टेज आगे चलता है 90 डिग्री से, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मेन जो टॉपिक्स है जो यहाँ समझना है, देखो यहीं पर ओवर कर जाएगा 2-4 मिनट में, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपने ऊपर क्या पढ़ा, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, विद ओम्स लॉ के साथ हम कंपेयर करते हैं करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह पर क्या है ओमेगा एल है, रेजिस्टेंस की जगह पर क्या है बेटा, देखा आपने कर्सर, देखो जहाँ रेजिस्टेंस है उसके जगह पर ओमेगा एल है, कहने मतलब ओमेगा एल रेजिस्टेंस का काम करता है, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वी फाइंड दैट ओमेगा एल रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर्स एल, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इन एंड इन इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज जनरली डिनोटेड बाय XL, इंडक्टिव रेजिस्टेंस को XL से शो करते हैं, इस तरह से XL इक्वल टू क्या निकल गया हमारे पास ओमेगा L, दैट इज 2 पाई न्यू L, ये फॉर्मूला याद करना, इसके ऊपर बराबर रहते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है XL प्रोपोर्शनल टू न्यू हो गया। इंडक्टिव सर्किट रिएक्टेंस XL लिमिट्स द करंट इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट द सेम वे एज रेजिस्टेंस, का मतलब जिस तरह से रेजिस्टेंस करंट को रोकता है उसी तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी करंट को रोकता है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर डी में आ जाओ, द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव L, इंडक्टेंस ज्यादा होगा L ज्यादा होगा इंडक्टेंस तो आपका XL भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ग्राफ देखो XL और L के बीच का, XL और नू के बीच का ग्राफ देखो, ये ग्राफ सारे याद रखना है, ऐसे ग्राफ दे देंगे कहेंगे पहचानो। इन डीसी सर्किट नू इक्वल टू जीरो, डीसी में तो कोई होता नहीं है, वहां पर इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा 2 पाई नू एल, 2 पाई 0 एल, दैट इज जीरो, तो वहां पर ये एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा, वहां पर ये कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम, XL इक्वल टू यूनिट ऑफ ओमेगा, ये सारा वैल्यू पुट करोगे ये रिजल्ट आ जाएगा ओम। डायमेंशन ऑफ XL, R का डायमेंशन यहां लिख दो बस काम खत्म। फेजर डायग्राम बताते बेटा, ये देख लो सेम वैसे ही ग्राफ खींचे हैं, अब आप देख लो यहां ग्राफ में
सेकंड पहला ग्राफ है राइट साइड, राइट हैंड से देखो ये 90 डिग्री पीछे चलता है तो ई का ग्राफ ऊपर कंटिन्यूस है और करंट पीछे चल रहा है तो 90 डिग्री ये हो गया। दोनों जगह से हम इस पर ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए। यहाँ पर फेजर डायग्राम में देखो ओमेगा टी है ई नोट और एक्स एक्सिस के बीच में और ई नोट से ठीक 90 डिग्री पर हमने खींच दिया आई नोट, ये हो गया आई नोट के बीच में। अब इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा फेजर डायग्राम में ये 90 डिग्री पीछे चलते हैं। आया बेटा समझ में यहाँ पर? फिर भी थोड़ा डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना। फिगर रिप्रेजेंट द वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग एल ओनली। द वेक्टर रिप्रेजेंट्स ई नॉट मैक्स एन एंगल ओमेगा टी विद एक्स एक्सिस एज करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ। यहाँ देखो 90 डिग्री सो फेजर आई नॉट इज टर्न क्लॉकवाइज, 90 डिग्री हमने पीछे कर दिया क्लॉकवाइज घुमा के। फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट द प्रोजेक्शन ऑफ फेजर्स ये आपके ऑन वाई एक्सिस गिव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई एंड आई। यहाँ तक आपके ये दिखाए हैं। अब इसमें देखो बेटा डायग्राम बनाते समय दोनों लाइन वर्टिकल लाइन सेम खींचना, एक्स एक्सिस जो आपने पहले में खींचते हो उसी को डॉटेड लाइन से बढ़ा देना इसके ऊपर जिससे दोनों का स्केल सेम रहेगा। ई नॉट वाला जो है ई से जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वैसा ही डाला जैसा रेजिस्टेंस में है, केवल करंट वाला हम 90 डिग्री पीछे किए हैं इसलिए डॉटेड लाइन यहाँ से।